गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो व्हाट्स अप गाइस. चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप. यानी कि हो सकता है कि कभी कभी फेलियर मिले, हो सकता है कभी डीमोटिवेट हो, तो कोई बात नहीं, आई एम देयर टू मोटिवेट यू. और अगर आपको जीतना है तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको वो ड्रीम करना पड़ेगा, आपको उस जगह रखना पड़ेगा अपने आप को. एक डिफेंस ऑफिसर बनना है तो आप सोचे कि व्हाट विल अ डिफेंस ऑफिसर लुक लाइक इन यू, है ना. रूटीन उसकी तरह, सुबह उठे, एकदम डिसिप्लिन से अपना काम किए, वो नहीं कि क्लमजी लेजी. नो, इट कैन नॉट हैपन. और उस तरह से अपने दिन को शुरू करना पड़ेगा और फिर एकदम फोर्सफुली जोश के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा. व्हाट अ ऑफिसर डज. वो कोई भी ऑफिसर हो सकता है, डिफेंस का भी ऑफिसर हो सकता है या फिर इंजीनियर ऑफिसर भी हो सकता है, एई हो सकता है, जेई हो सकता है. ये लोग क्या करते हैं, इनका लाइफ प्लान्ड होता है. हमारी तरह नहीं होता है कि अभी मन किया तो उठ गए, अभी मन किया तो खा लिए, अभी मन किया तो घूम लिए. वैसा नहीं होता है. दैट इट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ विनर. विनर का क्वालिटी होता है रूटीन, टारगेट. रात में सोने के पहले अपना टारगेट सेट करें और पूरे दिन का सोचे कि व्हाट आउटपुट हैज बीन गेन्ड. अगर आज आप जो हैं वो 30% पर्सनालिटी है, तो क्या आप में 1% भी पूरे दिन में आउटपुट हुआ है कि नहीं. देखिए, मैं हमेशा ये क्लास में कहती हूँ कि आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस कि अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक चीज आपके पास है और वो है आज का दिन. आज का दिन ना आपसे कोई ले सकता है और आज का दिन ही आपके लिए सबसे बड़ी बात है. मतलब आज सुबह से लेके अभी तक का जो 8 बजे है अभी और रात में 8 बजे का, चलो ठीक है तुम जल्दी सोते हो, तुमको जल्दी उठना है, 12 घंटे का समय अभी को यूज करो क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है ना. देखिए, आप सबको फैमिली वाले हैं तो फैमिली वाले मतलब बीवी बच्चे नहीं है लेकिन घर में तो फैमिली है ना, तो फैमिली में कुछ हो सकता है, मतलब नॉट इन अ बैड सेंस. शादी हो सकती है, कोई सेरेमनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्यों ना आज ही पढ़ ले, राइट. सो दिस इज द थॉट. एंड अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप. अगर आपको जीतना है तो आपको वो सपना देखना पड़ेगा और अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने पड़ेगा. आपको इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा और कभी भी गिव अप तो सोचना ही नहीं है, ठीक है. सो वेरी गुड मॉर्निंग निकिता शर्मा, ठीक है. और आप हाय करिए हर्ष को. क्यों हर्ष को क्यों हाय करिए, मुझे भी हाय करो यार. राहुल सिंह रावत, राहुल गुड़ेले, दिनेश, वेरी गुड वेरी गुड. छिया, रणवीर, सारे लोग आ चुके हैं. एकदम पढ़ाई जो है जल्दी से स्टार्ट करना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये वर्ड है परसेवेरेंस. अब परसेवेरेंस इसको शुरू करने का कारण यही है क्योंकि मैं भी आपसे यही चाहती हूँ. परसेवेरेंस, परसेवेरेंस में होता है कि ठीक है आप थकेंगे, डीमोटिवेट होंगे, लेकिन फिर उठेंगे और फिर स्वेट करना शुरू करेंगे और फिर पढ़ाई करना शुरू करेंगे, है ना. तो परसेवेरेंस इसको बनाया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर 2021 और अ वर्ड दैट कैप्चर्स द अनडॉन्टेड विल ऑफ द पीपल. ठीक है, नहीं करने का मन है लेकिन तो भी कर रहे हैं. अक्रॉस द वर्ल्ड टू नेवर गिव अप डिस्पाइट द मेनी चैलेंजेस ऑफ द लास्ट 12 मंथ इज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर. तो आपको पता है कि 2019 से लेकर 2020 सबका किस तरह से गया है, किस तरह से हम लोग उस कष्ट से बाहर निकले हैं, लेकिन हम लोगों ने गिव अप नहीं किया. हम लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जुटे हुए हैं कि हम लोग इस साल गवर्नमेंट जॉब लेके रहेंगे और फिर आंधी आ जाए या तूफान, हम अपना लाइफ को सिक्योर करेंगे और फिर बाकियों का हेल्प करेंगे, है ना. तो इसलिए इसको बनाया गया है वर्ड ऑफ द ईयर. परसेवेरेंस हैज बीन लुक्ड अप फॉर मोर देन 2,53,000 टाइम्स इन द वेबसाइट. तो आप लोग भी इस वर्ड को एक बार सर्च करें और देखें कि क्या होता है इसका मतलब, ठीक है. तो इसको वेबसाइट पे देखा गया, द फर्स्ट टाइम इट मेड अ नोटिसेबल अपीयरेंस. पहली बार ये आया. नासास परसेवेरेंस रोवर मेड इट्स फाइनल डिसेंट टू मार्स ऑन 18 फरवरी. तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए ये वर्ड नहीं है. नासा का जो परसेवेरेंस मिशन है ये मार्स पे गया है, इसीलिए भी ये चीज न्यूज में है, ठीक है. मैम क्वेश्चन आंसर ही कराओ, डीप में मत पढ़ाओ टाइम. ठीक है बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ा रही, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ. चले तो क्वेश्चन आंसर से, क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, ठीक है. इसके पहले एक और बात,
प्राइवेट मेंबर बिल अगर कोई पूछे ना कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, तो आप बोलेंगे देखिए लोकसभा या राज्यसभा में दो तरह की पार्टियां होती है, एक होता है जो सरकार बनाता है तो वो बिल हो गया गवर्नमेंट्स बिल, ठीक है, और अगर कोई ऐसे पार्टी में है जो कि सरकार में नहीं है लेकिन उसको कुछ आइडिया आ गया तो वो क्या करेंगे, प्राइवेट मेंबर बिल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दें प्लीज और लाइक कर दें सेशन को, यस शेयर भी कर दें सेशन को तो बहुत अच्छा होगा। अभी पूछा जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में जिनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है ऑफ असम स्टेट, तो ये कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं? आशी का आंसर आया है, दीक्षित गोड़ा का आंसर आया है और निखिल भारद्वाज जी का आंसर आया है और निकिता का आंसर आया है। निखिल भारद्वाज जी आप तो कह रहे हो क्वेश्चन आंसर कराओ, लेकिन आपने दो दो आंसर तीन तीन आंसर भेजा है और आंसर सही है क्या आपका? तो देखिए ये मिला है रतन टाटा को, ठीक है, रतन टाटा को मिला है ये, असम डे पे गवर्नमेंट ऑफ असम ने रतन टाटा को दिया है असम भैरव अवार्ड और इनके कंट्रीब्यूशन, ताकि वो कैंसर केयर के लिए बहुत काम कर रहे हैं तो इसीलिए, और इस तरह से उनको मिला गया था। अर्लियर अवार्ड मिला है सौरव और गौरव, ठीक है, असोम सौरव असोम गौरव और इस बार मिल गया भैरव, ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। देखिए असम के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम है हिमांत विश्व शर्मा, ठीक है, हिमांता विश्व शर्मा। जगदीश मुखी जी जो हैं वो गवर्नर हैं और रिसेंटली रतन टाटा को मिल गया है असम अवार्ड, मतलब असम अवार्ड नहीं, असम में रतन टाटा को हाईएस्ट स्टेट सिविलियन अवार्ड मिला है, नागरिकता पुरस्कार। और रेमोना नेशनल पार्क है, दिहिंग नेशनल पार्क है, ये सब असम में है, आपको पता है असम में बहुत सारे नेशनल पार्क है, टोटल कितने हैं, 7 है क्या? चले अगला सवाल आपके सामने है, आंसर्स दें जल्दी जल्दी। राहुल सिंह रावत, वेरी गुड। रिया शर्मा, निकिता, शिवम, बबीता, नूतन, योगेश, रोली, हाय रोली, योर नेम इज वेरी क्यूट। चले शिवम शर्मा, निकिता प्लीज आप लोग बात ना करें और यहाँ पे पढ़ाई कर लें, ठीक है, अभी एकदम पढ़ाई पे ध्यान देना है, जब दोनों रिकमेंड हो जाना तब बैठ के बतियाते रहना। आंसर बताएं जल्दी से, कौन है चेयरमैन ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? तो ये देखिए आप लोगों को लगता है पता नहीं, अभी तक आंसर नहीं आया, प्रदीप शाह, ये है फाउंडर ऑफ इंडिया एशियन फंड एडवाइजर और ये अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये MBA किया है इन्होंने हार्वर्ड से, ठीक है, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA आप लोग जानते हैं, और शाह जो हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फाउंडिंग इंडियाज लार्जेस्ट हाउसिंग फिनांस कंपनी HDFC और क्रिसिल जो है क्या करता है, क्रिसिल जो है वो लोगों को मतलब बताता है किसका क्या रैंक है, किस कंट्री का, या कुछ भी ऐसा प्रिडिक्शंस बताते हैं, ठीक है। चले नेशनल माइक्रो ओवन डे किस दिन मनाया जाता है? आप लोग के घर में माइक्रो ओवन है क्या? रणवीर गुड मॉर्निंग, मिस्टर AK गुरु जी वेरी गुड मॉर्निंग, योगेश गुड मॉर्निंग, रिया शर्मा, प्रदीप शाह बता रही हैं, निकिता शर्मा भी, प्रदीप शाह बता रही हैं, निकिता और रिया, ओके शर्मा, अब्दुल रहमान जी बता रहे हैं आंसर, वेरी गुड। नेशनल माइक्रो ओवन डे आ गया है वॉल्टर वाइट और वॉल्टर वाइट का आंसर है, वॉल्टर वाइट का आंसर क्या है? सो द आंसर ओवर हेयर इज 6 दिसंबर, 6 दिसंबर यानी कि कल के दिन हम लोग माइक्रो ओवन डे मनाते हैं। जैसे कि माइक्रो ओवन में आप लोग क्या करते हैं, खाना गर्म करते हैं और पिज्जा बनाते हैं, है ना, और क्या बनाते हैं आप लोग माइक्रो ओवन में? एनीवन, किसी का कोई स्पेशल डिश है क्या माइक्रो ओवन का? किसी का कोई स्पेशल डिश है माइक्रो ओवन का? तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो कि दिसंबर के लिए जरूरी है। कल BR अंबेडकर जी का डेथ एनिवर्सरी था। BR अंबेडकर जो कि पहले कानून मंत्री रह चुके हैं भारत में, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, और यही बने थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। और कल माइक्रो ओवन डे था, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे है, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये दोनों हम लोग आज मना रहे हैं 7 तारीख को, ठीक है, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे,
एंटी करप्शन डे इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हम लोग 9 तारीख को मनाएंगे। ह्यूमन राइट्स डे आपको पता है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंस्पिरेशनल कोट्स और ये सब जो है ये मिल जाता है यहाँ पे। इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है 11 तारीख को मनाया जाता है। यूनिसेफ डे 11 तारीख को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूनिवर्सल वर्ल्ड हेल्थ कवरेज डे जो है वो 12 तारीख को, 14 तारीख को नेशनल एनर्जी डे, विजय दिवस आ जाएगा आपका 16 दिसंबर को, और फिर हम लोग और इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। चले अच्छा, हाँ आप लोग के यहाँ गैस और स्टोव है, ओके। टोस्ट एंड बटर चीज केक बनाते हैं शिवम शर्मा और रिया शर्मा, ओहो वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। चले ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है कि हु हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द 10th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2021 रिसेंटली। तो देखिए पूछा जा रहा है कि 10वां रैंक किसको मिला है वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटरी रिपोर्ट में 2021 में जो हुआ है। इसका आंसर जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे डिशेस बनाते हैं, यू ऑल आर सो मतलब टैलेंटेड कुक है ना। चले तो जल्दी से सिलेक्शन ले और अपना डिश फिर मेरे को भी टेस्ट कराएं। मिस्टर एके गुरु का आंसर आ चुका है, और एके गुरु जी का आंसर जो है वो कैसा है देखिए, सॉरी। चले तो इसका आंसर है इंडियन फार्म कोऑपरेटिव लिमिटेड। देखिए क्या क्वेश्चन है उसको समझ जाइए। 10वां एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिला है इंडियन फार्मर कोऑपरेटिव लिमिटेड को, बस यही न्यूज में है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कब स्टैब्लिश हुआ है तो 1967 में स्टैब्लिश हुआ है। एक चीज हम और बताएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, अभी चल रहा है 2021। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पार्लियामेंट में कौन सा ऐसा कमेटी है जो कि सबसे पुराना है, तो इस साल एक कमेटी 100 साल मना रहा है अपने बनने का, यानी कि 1921 में बना था ये कमेटी, और ये कमेटी का नाम है लोक लेखा समिति, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी 100 साल पहले बना था। किस एक्ट से बना है, तो 1919 में जो मॉन्टेस्क्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ है उसी एक्ट के तहत ये 1919 में हुआ है, 1921 में ये बना है, ठीक है। चले इफको का आप देख सकते हैं 1967 है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इनके सीईओ और एमडी हैं यूएस अवस्थी जी, ठीक है। बस बाकी जो है और इंपॉर्टेंट सिटी तो आप जानते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा, बुकर प्राइज किसको मिला है, बुकर प्राइज मिला है गोलगुट को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साइक्लोन जवाद के बारे में। कल भी हम लोग साइक्लोन जवाद के बारे में डिस्कस किए हैं। आपको पता है इसके पहले यास आया है जिसका नाम ओमान दिया है, और गुलाब आया है जिसका नाम पाकिस्तान दिया है। तो आप बताएं कि जवाद जो है वो नाम किसके द्वारा रखा गया है। हाँ ठीक है, जवाद रखा गया है, वेरी गुड राहुल सिंह, आप बता रहे हैं लोक लेखा समिति, वेरी गुड। हाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी, कैसन बा बढ़िया बा। चले तो ये दिया गया है सऊदी अरब द्वारा, आपको पता है इसका आंसर है ना। तो सऊदी अरब द्वारा दिया गया है इसका नाम, और आप देख ले अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे ये कब स्टैब्लिश हुआ है, 23 मार्च 1950 को हुआ है। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड ग्रिम्स हैं, और ये जो नाम है गुलाब ये पाकिस्तान द्वारा रखा गया था, यास ओमान द्वारा रखा गया था। इसके पहले ये साइक्लोन्स आ चुके हैं इस साल, और इस बार जो है जावाद, ऐसे जावोद उसको बोला जाता है, तो वो सऊदी अरब द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलें रफी उल इस्लाम जो है एक बहुत फेमस स्कॉलर हैं, और रफी उल इस्लाम जो है इन्होंने पास कर दिया है, क्या ये पास कर दिया, नहीं गया है, पास कर गए हैं, ठीक है। तो ये बताएं कि ये कौन से कंट्री के हैं, आप जानते हैं इसका आंसर, इसका आंसर है बांग्लादेश। देखिए हम आपको इसके साथ ना, अब बोलोगे मैम आप बीच बीच में क्या करंट अफेयर्स बताते हो, तो एक्चुअली बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। देखिए आप जानते हैं, सॉरी यस, अभी जो है सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, है ना। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज है जिसका नाम है प्रियाम्बल। क्या आप प्रियाम्बल को
संशोधित कर सकते हैं? क्या प्रीएम्बल में किसी तरह का बदलाव आ सकता है? तो अभी राज्यसभा के पास एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है जिसमें ये कह रहे हैं कि स्टेटस ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है उसको हटाकर आप कर दे अपॉर्चुनिटी इन रिस्पेक्ट टू द बर्थ, क्रीड, जेंडर, ये सब। तो अभी देखिए ये हो सकता है कि नहीं, पर मैं वो नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ कि क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था गोलकनाथ केस में कि प्रीएम्बल अमेंड नहीं हो सकता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किस दिन का है ये? 24 अप्रैल, सचिन तेंदुलकर का बर्थडे, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है। और फिर LIC केस में फिर से बोला गया कि हाँ प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है, तो हाँ प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है। पहले से लेकर अभी तक इसमें कुछ वर्ड्स जुड़े हैं, जैसे कि सोशलिस्ट, इसको भी फिर से इस बिल के अकॉर्डिंग हटाने का बात किया जा रहा है। एक और वर्ड जुड़ा है सेक्युलर, ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार में। और एक और वर्ड जुड़ा है इंटीग्रिटी, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है, और पहले भी प्रीएम्बल जो है वो अमेंड हो चुका है। खैर, रफीउल इस्लाम जो है वो बांग्लादेश के हैं, आप जानते हैं इस बारे में, है ना? हाँ, अभी तक एक बार अमेंड हो चुका है प्रीएम्बल। चलें, अब देखें यहाँ पे और कुछ लोग हैं जिनका निधन हुआ है। ऑर्बिट्यूरी से क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछा जाए माधवन कृष्ण नायर जो हैं वो कौन थे, तो वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड क्रिकेटर जो हैं एलन डेविनसन, इनका निधन हुआ है। और तारक सिन्हा कभी निधन हुआ है, ये दो बार आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूरदर्शन केंद्र कल ही हम आपको बताए हैं, है ना, अब्दुल रहमान जी, श्रद्धा तिवारी, कल ही दूरदर्शन केंद्र के बारे में बताया जा चुका है। जल्दी से आप बताएं कि दूरदर्शन केंद्र जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये गोरखपुर सिटी में हुआ है। गोरखपुर सिटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबको इस बारे में पता है गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर एक और कारण से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। वो क्यों है? क्योंकि 1922 में क्या हुआ कि जो 1920 में नेशनल कोऑपरेशन चला था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा, तो यही गोरखपुर के चौड़ी चौड़ा में कांड हुआ था जिसमें 22 पुलिसमैन को जलाया गया था, और फिर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो इसलिए आप गोरखपुर याद रखेंगे। और बताएं अगर पूछा जाए कि 2032 में जो अभी वाला नहीं 32 में जो होगा ओलंपिक, तो क्या बोल रहे हैं ये लोग, उत्तर प्रदेश वाले लोग, कि ये रेसलिंग को जो है उसमें बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हैं, इसलिए लोगों को तैयार भी कर रहे हैं। क्राइम रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इलेक्ट्रॉनिक पार्क में उत्तर प्रदेश जो है वो काफ़ी काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और उत्तर प्रदेश में जो एनिमल वॉर मेमोरियल बना है, जो जानवर वॉर में किसी तरह से उनका निधन हुआ है, तो मेरठ में उसका मेमोरियल बना है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि कौन सा सिटी जो है वो होस्ट करेगा इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव। देखें अंबेडकर जी जो हैं इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर को ही, ठीक है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं मुंबई में इनॉग्रेट किए हैं इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये किस दिन हुआ है? ये 19 नवंबर 2015 को हुआ है, और उसी समय अनाउंस हुआ कि 26 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे संविधान दिवस, ठीक है, 2015 से। तो आप बताएं कॉन्क्लेव जो है वो कहाँ हो रहा है? काकोरी ट्रेन एक्शन, बिल्कुल बात सही है। चले ठीक है, तो ये जो है दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। दिल्ली में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और SC ST लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंटेरियन एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनके नाम पे एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रखा गया है, ठीक है। और फोरम रखा गया है SC ST लेजिस्लेटर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये दलित महाजनों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाए थे। इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि BR अम्बेडकर ने किस अनुसूची को बोला है कि ये जो है आत्मा है आपके संविधान का,
तो वो है अनुसूची नंबर 32, 32, जिसमें पांच रिट है, हेबियस कॉर्पस, सर्चुअरी, मैंडमस, क्यों वारंटो और प्रोहिबिशन. क्लियर है? ये इसको आप बोलेंगे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ. हाँ हाँ बिल्कुल है. पीसीएस आपका नाम है, एसपीएस, क्या क्या नाम रखते हैं आप लोग, तो ये जल्दी से बताएं. ठीक है, श्रद्धा बोर्ड पर कब से आएगी? अच्छा मैम बोर्ड पे कब से आएगी? मैम बोर्ड पे हूं यार. चले ये बता दे जल्दी से कि पहले जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ है उनका नाम क्या है? गीता गोपीनाथ. आप जानते हैं फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो बन गई है, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है गीता गोपीनाथ. क्लियर है? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी वैसे हार्वर्ड से पढ़िए, हार्वर्ड से पढ़े लिखे लोग यार बहुत, आप लोग भी जल्दी जल्दी पढ़िए यार. पता है सरकारी नौकरी में एक फायदा होता है, जैसे आप मान लीजिए कि आप एई बन जाएंगे, है ना, या फिर आप ईसीएस में चले जाएंगे, ईएससी में, मतलब जो इंजीनियरिंग सर्विस होता है यूपीएससी द्वारा, या फिर मान लें कि आप डिफेंस में चले जाएंगे और आप में कोई ऐसा, मतलब आप में कोई सब्जेक्ट के प्रति बहुत जिज्ञासा है, बहुत क्यूरियोसिटी है, तो आपको सरकार भेजेगी कि जाइए आप एमबीए कर लें, या फिर कोई भी कोर्स जो आप करना चाहते हैं, एमटेक कर लें अगर आपने बीटेक किया हुआ है, सरकार अपने पैसे पे भेजेगी और आपको ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा जो कि नहीं मिल पाता यार. छोटे छोटे शहर में हम लोग सोचते हैं कि कैसे जाए, पता ही नहीं होता है कि जाना कैसे. हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग हों जिनका, जिनके पास बहुत सारा टैलेंट हो कि वो जा सकते हैं ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, लेकिन रास्ता नहीं मिल पाता है. तो ये सरकारी नौकरी जो है ना, ये रास्ता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद. ठीक है, अब आप बताएं, सॉरी, तो ये आप बताएं कि फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो एयरपोर्ट में लगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिजी यात्रा. ठीक है, तो डिजी यात्रा है, हिंदी में भी हम बोलते हैं. हवाई अड्डों पे भारत में पहला बायोमेट्रिक आधारित, यानी कि लोग को जो स्कैन कर लेता है, आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम जो लगा है, इसका नाम है डिजी यात्रा. इसको ध्यान रखिएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट एनी डाउट इन माई क्लास. चले अब आप जानते हैं कि स्मार्ट इंडिया की स्मार्ट तैयारी तो हो ही रही है, सारे प्रोडक्ट में 77% का ऑफ है, ये तो हो गया एक बात, ये आप जानते हैं, इसके बारे में हम क्या ही बताएं. साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, देखिए हम आपको बोल रहे, विनम्र निवेदन है कि मैं आपकी शिक्षिका कीर्ति ये आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप 82% का ये जो ऑफर है इसको यूज कर ले. और कोड कौन सा यूज करना है यार, याद हो गया होगा ना अभी तक, तो कोड कौन सा यूज करना है? ये कोड है Y332. जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए, मेरे प्यारे विद्यार्थी गण, मैं आपको कह रही हूं कि हम कितना भी पढ़ाएं, आप कितना भी पढ़ ले, कोई फायदा नहीं है जब तक परीक्षा के पहले घर में बैठ के देखेंगे नहीं कि 100 में से तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है. तो बुक ले लीजिए या ई बुक ले लीजिए, आपका मन. टेस्ट सीरीज आज सबसे ज्यादा, आपको पता है मैं 82% से ज्यादा डिस्काउंट आप लोगों को नहीं दे पाती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे 82% डिस्काउंट है, Y332 कोड है, क्वाइन का इस्तेमाल कर लीजिएगा तो 83% हो जाएगा, 1% और हो जाएगा. ठीक है, और आज ही आप इसको ले लीजिए और Y332 ही कोड यूज करना है. पता चला बताया मैंने और मेरा ही कोड यूज नहीं हुआ, तो इसलिए Y332 ही करना है. चले अब इसमें से आप लोगे क्या? बोलोगे मैम ये सब तो आप बोल दी, इसमें से लेना क्या है, है ना? एक सेकेंड, तो देखिए ये हो गया आपका, ये तो हो गया आपका महापैक. ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको पता ही है, टेस्ट सीरीज लेना है, Y332 कोड है. उसी तरह से इंजीनियर्स का भी महापैक है, यूपी के लिए अलग है, उत्तराखंड के लिए अलग है, सब एक साथ चाहिए तो महापैक ले लीजिए. आप जानते हैं कि सब एक साथ चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ता है, महापैक लेना पड़ता है ना. चले क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नहीं है. ये देख लीजिए कुछ कोर्सेज है, FCAT के कोर्सेज है, FCAT का एग्जाम निकल रहा है. ठीक है, रफ्तार पसंद है तो हमेशा मेरे साथ रहे, रफ्तार से हम लोग FCAT का तैयारी करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही, देखिए यहाँ पे नाम है श्रेष्ठ. ठीक है, श्रेष्ठ स्कीम जो है ये किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है? श्रेष्ठ स्कीम, इसका नाम जल्दी से बताएं.
क्या क्या बात कर रहे हैं आप लोग? एक्स वाई भी एग्जाम होता है एयरफोर्स के लिए? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। साइंस स्टूडेंट है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो साइंस स्टूडेंट बहुत पसंद है, वैसे सोशल साइंस वाले भी बहुत पसंद है। मैं सच बताऊँ मुझे ना कॉमर्स उतना नहीं समझ में आता, मतलब बिजनेस स्टडीज़ कभी पढ़ा नहीं है। और एक और होता है ना अकाउंट्स, बापड़े बोलते हैं कि अकाउंट्स बड़ा भारी चीज़ होता है। आप लोग में से है क्या कोई कॉमर्स वाले? ठीक है, स्पीड तो हमको बहुत पसंद है, रफ्तार मतलब पढ़ने में रफ्तार पसंद है, वो रोड पे वाला रफ्तार नहीं पसंद है हमको। चलें तो ये स्ट्रेट स्कीम जो है ये है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है श्रेष्ठ स्कीम। और आप देख सकते हैं श्रेष्ठ मतलब है स्टूडेंट इन हायर, सॉरी यहां से रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हायर स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, यानी कि कोई कोई जगह में जो बहुत सारे बच्चे हैं जो हाई स्कूल में हैं लेकिन अभी बहुत अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम है ताकि वो आराम से रह भी सके और पढ़ भी सके। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है तो ये जानते हैं आप किसके अंदर है। आप देखें एक गोल्डमैन सैश करके कंपनी है, अगर आप लोग जो हैं अकाउंट्स इजी होता है अंजलि शर्मा, अच्छा ठीक है, अच्छा साइंस के स्टूडेंट ही हैं सारे यहाँ पे। देखिए अगर कोई गोल्डमैन सैश कोई सुना होगा ना, जैसे किसी के भी होते हैं इंजीनियरिंग वगैरह करके जाते हैं, एमबीए करके जाते हैं, तो ये एक कंपनी है जो कि बताता है कि भारत का जीडीपी जो है वो कितना रह सकता है। तो ये कह रहा है कि भाई जीडीपी बढ़ेगा 9.1% तक और ये 2022 में बढ़ेगा, ठीक है। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज, ये गोल्डमैन सैश जैसे शेयर मार्केट वगैरह होता है उस टाइप का भी ये काम करते हैं, तो इन्होंने बोल दिया है कि हमारा जीडीपी जो है वो इतना रह सकता है। क्लियर है? 2020 में इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है, कम हुआ है 7% तक, और यहाँ पे बोला जा रहा है गोल्डमैन सैश द्वारा, आपसे दोनों चीज पूछा जा सकता है कि गोल्डमैन सैश द्वारा कब बोला गया है, तो 9.1% तक का ग्रोथ बोला गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बी आर अम्बेडकर जी का, आपको पता है कल पुण्यतिथि था और ये 66th डेथ एनिवर्सरी है, इसको महापरिनिर्वाण दिवस भी बोलते हैं हम लोग, महापरिनिर्वाण दिवस। और ये इन्होंने इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और सोशल यानी कि सामाजिक एम्पावरमेंट ऑफ दलित के लिए काफ़ी काम किया है। 1956 में इनका निधन हुआ है और ये मेजर कॉमरेड ऑफ आज़ादी का महोत्सव जो हम लोग अभी मना रहे हैं 75 साल, उसके लिए ये इंसान जो है वो बहुत बड़े मतलब इनके कर्ता धर्ता हैं और हम लोग इनके बर्थ एनिवर्सरी को भी साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है निज़ामुद्दीन बस्ती जो है, निज़ामुद्दीन बस्ती ये बताएं किस स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में है? आकाश यादव इंजीनियरिंग के है, बिल्कुल बात सही है, अच्छा हाँ यहाँ पर तो सारे लोग इंजीनियरिंग ही वाले होंगे। अच्छा हिमांशी को पजल मत दीजिए राहुल सिंह जी, पढ़ाई कीजिए पढ़ाई, जल्दी जल्दी पढ़ो यार सेशन को। एक काम करेंगे आप लोग अगर पसंद आया तो, अभी कहीं नहीं जाना है, ये नहीं कि चले गए शेयर करने, शेयर करिए लेकिन क्लास के बाद, ठीक है, क्लास के बाद आप किसी को बता सकते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। ये देखें ये दिल्ली में हुआ है, ठीक है, दिल्ली में ये निज़ामुद्दीन बस्ती को, हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती जी बस्ती जो है इसको बसाया गया है। और ये जो है वर्ल्ड साइट ऑफ हुमायूं टॉम, हुमायूं जानते हैं आप बाबर के बेटे थे और हुमायूं के बेटे का नाम क्या था? अकबर, है ना। अकबर का समय काल क्या है? 1605 में ख़त्म हुआ था, शुरू कब से हुआ था? 1556 में, ठीक है चले 1556 में हुमायूं का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अहरबल, ये हम बहुत बार बता चुके हैं, अहरबल, अहरबल फेस्टिवल मनाते हैं हम लोग, ये बताएं कि कहाँ पे मनाते हैं? ये आपको पता है जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। उसके बाद आपके सामने है कि ट्राइबल प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए एक तरह का जनजाति विद्रोह हो रहा है, बोल रहे हैं ये लोग कि हम लोग को ग्रेटर ट्रिपलैंड चाहिए, ट्रिपलैंड, तो ये बताएं कि कहाँ के लोग बोल रहे हैं। आप जानते हैं इस तरह का प्रोटेस्ट हम लोग काफ़ी देखे हैं, खालसा पंथ वाले बोले खालिस्तान बनाएंगे, उसके बाद नागालैंड वाले बोले ग्रेटर नागा बनाएंगे, अब ये लोग बोल रहे हैं टिपड़ा लैंड बनाएंगे। तो जो टिपड़ा लैंड है ये दिल्ली में बोला जा रहा है ट्राइबल प्रोटेस्ट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हिंदू टेम्पल जो है
वो 4% तक का टैक्स देगा। जो भी इंसान बिहार का है यहाँ पे, आप जानते हैं कि पटना से जैसे ही आप उतरते होंगे रेलवे स्टेशन, तो पटना में रेलवे स्टेशन पे पैर रखते ही एक मंदिर दिखता है, महावीर मंदिर। मतलब करता धरता है वो मंदिर पटना का। अभी बहुत सारा खाना भी बांटा गया था कोविड के दौरान। तो ये बोल रहे हैं कि सब जो है 4% तक का टैक्स देंगे। ये बिहार में बोला जा रहा है कि सब मंदिर जो है देंगे। श्री राम यूनिवर्सिटी जो है वो किस जगह स्थापित किया गया है? श्री राम यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित किया गया है? देखिए आप लोग बहुत गलत गलत आंसर बता रहे हैं, एकदम पिटाई पड़ जाएगा सबको। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में श्री राम यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है। बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं, लेकिन स्पीड तो यही करना है ना। मैं आपको पता है, मैं बीच में रैपिड क्वेश्चंस करवाती हूँ। रैपिड क्वेश्चन पसंद आता है ना, तुरंत तुरंत जो भी आ जाता है आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आप बताएं ये क्वेश्चन का आंसर कि आशा वर्कर जिनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है? हाँ, मटिल्डा कुल्लू। ठीक है, मटिल्डा कुल्लू इनका नाम है। ये पूछा जा रहा है, एक आशा कार्यकर्ता है जो कि फोर्ब्स इंडिया, फोर्ब्स मैगजीन में विमेन पावर में अभी शामिल हुए, जिसमें से निर्मला सीतारमन 50 में से सबसे टॉप पे आई हैं। तो ये जो है ये आशा वर्कर है, ये ओडिशा की हैं। देखिए मटिला ये पूछा जाएगा कि मटिल्डा कुल्लू रिसेंटली न्यूज ये क्या है, तो ये आशा वर्कर है फोर्ब्स विमेन एम्पावरमेंट में 50 में से एक रैंक इनको भी मिला, ये ओडिशा की हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं, बायोजेट फ्यूल जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट किस कंट्री का है? हाँ बिल्कुल, गर्व है यार पटना का महावीर मंदिर। चलें, यस 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 गाइस, आप लोग आंसर दे रहे, वेरी गुड। वॉल्टर, आशीष, श्रद्धा, हर्ष, अंकुश, राहुल सिंह, बक अप, वेरी गुड। अंकुश कुमार, सूर्य दहिया, राजू काटिया, कालिता, सॉरी प्रोनाउंसिएशन ना स्पेल इसका थोड़ा थोड़ा आप लोग का टाइटल का गड़बड़ हो जाता है, सॉरी। ठीक है वॉल्टर वाइट, सजेशन एक्सेप्टेड। ठीक है, आई जस्ट चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये बताएं बायोजेट फ्यूल जो है ये इंडिया का है, इसको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 13 सिविलियन यहाँ पे मारा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस में, ये किस स्टेट में ये हुआ है? तो अभी संसद में भी इसके इस पर बात चल रहा है, नागालैंड में ये सब जो हुआ है, 13 सिविलियंस इनकी हत्या की गई है, और इस बारे में अभी सेंसस में भी काफ़ी बातचीत चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चेयरमैन ऑफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये रिसेंटली कौन बन गए हैं? तो आप जानते हैं हाल ही में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कि इनको संबित पात्रा को। फिर इंटरनेशनल वॉलेंट्री डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है? वॉलेंट्री यानी कि स्वयं सेविक। ठीक है, तो ये लोग काम करते हैं, खुद से आके वॉलेंटियर करते हैं कि हमको बच्चों के लिए कुछ करना है, हमको जो है वो किसी के लिए भी, मरीजों के लिए कुछ करना है, तो ये दिवस मनाया जाता है 5 तारीख को। ठीक है, राज्यश्री संचेती ये निशानेबाज हैं, शूटिंग में काम की हैं, ये निशानेबाज हैं। महिला एयर राइफल में कौन सा पदक ये जीती हैं हाल ही में? देखिए आपसे क्या सब पूछा जाएगा। राजश्री संचेती जो है हाल ही में न्यूज में है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ये पदक जीती हैं, गोल्ड पदक जीती हैं। क्या करती हैं ये? एयर राइफल करती हैं, क्लियर है, एयर राइफल में शूटिंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है किस बैंक ने पुनर्नवीकरण के लिए, यानी कि फिर से उसको ठीक करने के लिए, रिसाइकल पीवीसी प्लास्टिक में भारत में लॉन्च किया, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रेडिट कार्ड। तो ये ऐसा क्रेडिट कार्ड बनाएंगे जो कि पीवीसी, आपके घर में जो पाइप वगैरह होता है ना पॉलीविनाइल क्लोराइड का, इंजीनियरिंग वाले लोग हैं सबको पता होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो पाइप वगैरह होता है उसको रिसाइकिल करके ये बनाएंगे अपना क्रेडिट कार्ड। तो ये कौन सा बैंक है?
यार सबको देख रही हूँ मैं, टेलीग्राम चैनल में बता देती हूँ। चले ठीक है, ये कौन सा बैंक है जल्दी से बता दो यार। HSBC बैंक है क्या? तो हाँ ये HSBC बैंक है, जो कि रिसाइकल्ड करेंगे PVC प्लास्टिक और अपना क्रेडिट कार्ड बनाएंगे ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। अगला सवाल आपके सामने, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, तो ये बताएं कि ये किसके साझेदारी के साथ किया है। इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम जो है किसके साझेदारी के साथ किया गया है? ये किया गया ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है कि EWS, देखिए अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि सरकार ऐसे ही बोल दे कि EWS में जो भी साल भर जिसके घर में 8 लाख रुपए तक की आमदनी है वो उनसे कम वाले जो है EWS में आ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी यार सरकार जो आप बोल रहे हैं कि 8 लाख रुपए, किस चीज से आप, मतलब कैसे आप ये आए इस निष्कर्ष पे कि 8 लाख रुपए को ही रखा जाएगा। तो ये पांडे अजय भूषण जो है, ठीक है, इनका नाम पांडे अजय भूषण पांडे जो है, इनको बनाया गया है पैनल में, इनको रखा गया है, लीड करेंगे ये पैनल को। और आपको पता है कि ये फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत सरकार में, ठीक है, और बिहार के ही हैं, एक्चुअली हमारे ही गांव के। चले तो ये हैं अजय भूषण पांडे जी, और ये EWS वीकर सेक्शन में ये फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं और ये बन गए हैं अभी हेड। चले ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड एड्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है? आपको इसके बारे में पता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। फिर अभी क्रिकेट में एक बड़ा अपडेट आया, आप लोग को तो पता ही होगा यार, क्रिकेट का मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता होता है, अजाज खान के बारे में, है ना। न्यूजीलैंड में अजाज खान थर्ड बॉलर टू टेक 10 विकेट इन एन इनिंग, 10 विकेट एक ही इनिंग में लेने वाले बन गए हैं अजाज खान, और ये ऐसा करने वाले तीसरे क्रिकेटर बने हैं कि ये 100 का 100 विकेट अपने ही खाते में रख लिए, बहुत बड़ा बात है। लेफ्ट आर्म स्पिन, ठीक है, स्पिनिंग करते हैं लेफ्ट आर्म का, इंडियाज बैटिंग ऑर्डर एंड बोल्ड, ये बैटिंग ऑर्डर में भी है, 47.5 ओवर्स कंसीडिंग 119 रन बस दिए और 10 विकेट ले लिए न्यूजीलैंड का, ये बड़ी बात है। जिम लैकर जो हैं इसके पहले ही ऐसा कर चुके हैं, ये इंग्लैंड के बॉलर थे, और इंडिया ही के अनिल कुंबले भी ऐसा कर चुके हैं, क्लियर है। और ये जो एजाज खान है, ये एजाज पटेल जो हैं, एजाज पटेल ये हैं आपके मुंबई के, क्लियर है। अगला सवाल आपके सामने, अहर्बल फेस्टिवल हम फिर से पूछ रहे हैं क्योंकि पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, एस्ट्रिक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कौन सा फिल्म जो है, फिल्म अवार्ड गोल्डन फिल्म पूछा जा रहा है, विच फिल्म हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड गोल्डन पिकॉक एट 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, तो कौन सा फिल्म है वॉल्टर? वैसे आपको 19 विकेट लिए थे, ओके। चलो तो ये कौन सा फिल्म है? गुड मॉर्निंग कामरान, अंकुश जी वेरी गुड मॉर्निंग, पूजा हाय, वॉल्टर, श्रद्धा, आशीष कुमार, सूर्य दहिया जी, राजू, रमेश, श्रद्धा तिवारी आंसर दे रही है और बहुत अच्छा आंसर दे रही है, एक्सेलेंट। चले तो इसका आंसर क्या है? रिंग वॉन्डरिंग। अच्छा, वॉन्डरिंग से ये एक याद आया, जब नदी ऐसे वॉन्डर करती है ना, नदी ऐसे ऐसे चलती है, तो इस नदी के इस तरह के चलने का जो तरीका है उसको हम लोग मियांडर कहते हैं, इसको याद रखिएगा। कहाँ मैम करंट अफेयर से ज्योग्राफी में आ गई, है ना। और एक और चीज, आप लोग डोल्ड्रम सुने होंगे, तो इक्वेटर का ये जो क्षेत्र है जहाँ पे हवा कम बहता है ना, तो ये शांत है, काम है, वैसे हिंदी में बोलते हैं ना बड़ा डोल्ड्रम में है, तो इसका मतलब कि बड़ा टेंशन में है, लेकिन यहाँ पे डोल्ड्रम का मतलब उल्टा होता है, शांत होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया जो है, भारत के नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख बताइए कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके आर हरि कुमार, आप जानते हैं एडमिरल आर हरि कुमार जो हैं वो बन चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ठंड के महीने में
हल्का हल्का बारिश होता है तो बीज जो है वो फुट के फूल बन जाता है। तो ये बताइए कि ये कहाँ पे हो रहा है, ज्योग्राफी हो जाएगा वॉल्टर, डोंट वरी। एक्चुअली कल एक महा सेशन है ज्योग्राफी का, जिनको भी ज्योग्राफी क्लास 12 को पूरा अच्छे से रिवाइज करना है तो कल ज्योग्राफी का एक महा सेशन है। हाँ, अगर आपके कोई भी कज़न वगैरह है ना जो कि ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, जिनका अभी टर्म 1 चल रहा है, 9 तारीख को CBSE का, 9 दिसंबर CBSE का पेपर है ज्योग्राफी का, तो कल मैं एक महा सेशन ला रही हूँ, 7-8 घंटे का होगा, मतलब लगातार नहीं, 2 घंटा फिर ब्रेक फिर 2 घंटा ब्रेक, सारे क्वेश्चन सारा कंसेप्ट का रिविजन, क्लास 12 अभी नहीं, क्लास 12 का पूरा सिलेबस टर्म वन के लिए, ठीक है? तो बता दीजिएगा इसके बारे में। एक चैनल है जिसका नाम है अड्डा स्कूल, ठीक है, और मेरा कोई भी वीडियो उसमें होगा ना तो उसके नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, मेरे ही वीडियो के नीचे से सब्सक्राइब करना है, ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री का है सब्सक्राइब, हम बीच में सब्सक्राइब का स्पेलिंग भी भूल गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये शिलोंग में, ये देखिए उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, उसके बाद शिलोंग किसका कैपिटल है, गुवाहाटी किसी का कैपिटल है नहीं, नैनीताल किसी का कैपिटल है नहीं है, बताइए शिलोंग किसका कैपिटल है, क्या मेघालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कॉल योर कॉप, अपने पुलिस को बुलाओ, कॉल योर कॉप। वॉल्टर व्हाइट सब परीक्षा देते हैं, बैंक भी देते हैं, SSC भी देते हैं, डिफेंस भी देते हैं, इंजीनियर्स भी देते हैं, सोच रहे हैं कि बीएड कर ले तो टीचर्स भी देंगे, नहीं, इतना डिस्ट्रैक्ट मत होइए, एक ही पे फोकस कीजिए। चलो तो ये है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड हो गया है इसका आंसर, कॉल योर कॉप। अब अगला सवाल है, लिरिसिस्ट, रिनाउंड लिरिसिस्ट स्टेफन सोंडियम जो है, ये इनका निधन हो गया है, ये बताएं कि ये जो है लिरिसिस्ट ये किस कंट्री के, तुरंत से आंसर बताना होता है, हरी अप गाइस। अच्छा, आपको सेशन पसंद आता है क्या, मतलब ऐसा बताएं कि कुछ फीडबैक कि मैम आप ये करो और क्वेश्चंस लाओ ये वो, तो उसको किया जाए। देखिए 50 क्वेश्चन का टारगेट होता है कि एक दिन में मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, मतलब सब कुछ मिला के, वो जो एक्स्ट्रा बीच में बताती हूँ वो सभी, तो एक्सप्लेन करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, एक दो लाइन एक्सप्लेन करती हो तो आप लोग टेंशन में मत आया करो कि मैम आप एक्सप्लेन नहीं करो, ठीक है, एक्सप्लेन करने दिया करो, क्या पता कि ये ना आए कुछ और इसी से रिलेटेड आ जाए, तो इसलिए एक्सप्लेन करने दिया करें। ये यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। अब आप देखें धवन वन के बारे में, आप लोगों को पता है ये जो स्काई रूट है ये हैदराबाद का है, बड़ी बात है इसलिए बता रहे हैं ध्यान से, और ये 2018 में ये बना था, स्टार्टअप है, ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टअप कंपनी है धवन वन, और विक्रम वन विक्रम टू ये सब भी ये बना रहे हैं स्काई रूट, क्लियर है। तो ये हो गया स्काई रूट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेस्ट एक्टर अवार्ड इन मेल कैटेगरी इन 52nd आईफी फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है। साइंस का क्लास लेना है, बिल्कुल XY ग्रुप के लिए लेना है, बहुत जल्दी लेना है। अच्छा, साइंस का क्लास बोल रहे हैं, एक आंसर बताएंगे आप लोग, साइंस का क्लास बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछें, प्लैंक कांस्टेंट का कितना होता है, प्लैंक कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, एक और क्वेश्चन, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, ये NCERT क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, ठीक है, ये आप बताएं इसमें K का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। चले दो क्वेश्चन आपसे पूछें, इसका आंसर जो भी बताएगा तो हम समझ जाएंगे कि साइंस जो है उसको पढ़ाना जरूरी है। ये वैसे वो बेसिक क्वेश्चन नहीं है, जिसने ऑप्शन ये वाला तो बेसिक है, ठीक है, जिसने अपना आप साइंस में पढ़ा होगा, 11 12th किया होगा, वही बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जितेंद्र जोशी जी जो हैं इनको मिल गया बेस्ट एक्टर अवार्ड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग बोलते हैं मैम 50 क्वेश्चन करो, मैं करा रही हूँ 50 क्वेश्चन, अब मजाक नहीं, ठीक है, और अगर मैं 50 क्वेश्चन करा रही हूँ तो मैं भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपसे, है ना, कि आप जो है सेशन को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर आ रहा है, ठीक है, पवन राजपूत 6.62,
6 बता रहे हैं इनटू 10 इज बाय 34 उमेश तिवारी एक्सेलेंट 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 प्लैंक्स कांस्टेंट का आंसर आ गया मेरे पास और निकिता यादव जो है वो के वाला आंसर भी बता रही है हाँ वेरी गुड वेरी गुड तो बिल्कुल प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 इनटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 34 और ये वाला तो आप जानते हैं कि f इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो k का आंसर तो मुझे मिल गया है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आप मेरे को ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता सकते हैं मजा आता है हमको ऐसे साइंस का क्वेश्चन पूछने में तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता सकते हैं यस ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये बताएं तो सॉरी तो ये हो गया व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ श्री वेनिला सीतारमन शास्त्री जिनका निधन हुआ है तो ये लिरिसिस्ट थे ठीक है इनका निधन हो गया है श्री वेनिला सीताराम शास्त्री इनका पेशा था लिरिसिस्ट थे गाना लिखते थे सीईओ ऑफ ट्विटर कौन बन गए इसमें कोई डाउट ही नहीं है प्राग अग्रवाल बन गए हैं जो कि कहाँ के प्राग अग्रवाल कहाँ के हैं गोवा के हैं ना वेरी गुड एमएसडी जयपुर जो है वो एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू बता रहे हैं एक्सेलेंट उमेश तिवारी भी बता रहे हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 अच्छा एक और क्वेश्चन प्रोटोन हल्का होता है न्यूट्रॉन हल्का होता है कि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है सबसे हल्का कौन सा होता है श्रद्धा तिवारी भी बता रही है एक्सेलेंट रश्मि प्रजापति ओके वेरी गुड चलिए तो इसका बताएं ये हो गए एजाज मेनन ठीक है एजाज मेनन जो है ये इन्होंने ये किताब लिखा है जिसका नाम है इंडियन इनिंग द जर्नल जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 एक सवाल और अभी दादाभाई नरोजी जी पे किताब लिखा गया है दादाभाई नरोजी जी पे द पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये किताब लिखा गया है कौन डैश पटेल आंसर हम आपको बता रहे हैं डैश पटेल कौन लिखे ठीक है इसका आंसर आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में ये तो तुरंत से बता दिए सॉरी बीएसएफ ठीक है तो ये बीएसएफ जो है ये आप जानते हैं ये बना है 57th बीएसएफ ईयर हम लोग मनाए हैं ठीक है और ये कब बना है 1965 में बना है जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी देखें प्रोटॉन बता रहे हैं न्यूट्रॉन भी बता रहे हैं देखो एक बात ध्यान रखिएगा आप जानते हैं देखिए हम समझ गए आप लोग का ना प्रॉब्लम साइंस का प्रॉब्लम क्या है जो बाकी लोग को नहीं पता है हम बहुत बार ये ऑब्जर्व किए हैं सारे बच्चों में कि जो बाकी लोग को नहीं पता है वो आप लोग को पता है मतलब जो टफ चीज है तो टफ वाला चीज आपको पता है ठीक है आपको इजी वाले चीज में प्रॉब्लम हो रहा है द प्रॉब्लम इज ओवर हेयर इजी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रहा है मतलब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है यानी कि जो आप प्रैक्टिस करते हैं जो आप हमेशा से बड़े क्योंकि देखिए ना यहाँ पे न्यूट्रॉन आया सबका आंसर शॉकिंग है यार आप लोग ऐसे बच्चे जो कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता रहा है प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू बता रहा है आशीष का एक आंसर सही आया है उमेश तिवारी जी का आंसर आया है तो आप लोग ना ध्यान दें देखिए आप लोग भी जो है वही 99% बच्चे वाले में हैं जहाँ पे इससे तो पार कर जाते हैं यही गड़बड़ा जाते हैं और 80% क्वेश्चन इजी ही आएगा अगर कोई एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आराम से घूम रहा है इधर जा रहा है कभी किसी के पास चला गया कभी कहीं से आ गया तो वही हल्का होगा ना तभी तो घूम रहा है सही बात है तो हल्का तो वही होगा जो कि घूम रहा है अब न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं आप जानते हैं न्यूट्रल होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो सबसे कम होता है क्योंकि प्रोटॉन का जो है 10^-27 केजी होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है 10^-31 केजी होता है तो यहाँ पे -31 जो है ज्यादा छोटा हो गया ना तो मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं IFFI फेस्टिवल आप लोग को वो नहीं लगता है कि मैम बंगाली में क्लास नहीं चलता है बंगाली में क्लास चाहिए आप लोग को वो नहीं लगता है कि मैम आप सोशल साइंस भी पढ़ा लेते हो साइंस भी पढ़ा लेते हो करेंट अफेयर्स भी पढ़ा लेते हो हाँ लेकिन कॉमर्स नहीं पढ़ा सकते अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज नहीं इकोनॉमिक्स आता है बस तो देखिए 52nd IFFI अवार्ड जो है वो कौन से बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है नहीं हम नहीं चाहते कि आप लोग ऐसा करें
क्यों हम नहीं चाहते हैं बताते हैं, क्योंकि जब आप बहुत तैयारी करेंगे ना, जैसे कि मान लो आप ये आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप सोचोगे कि हम कोड इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे, हम इधर उधर तैयारी नहीं करेंगे। उसके बाद होगा एक अटैम्प्ट दो अटैम्प्ट में, मान लीजिए किसी का नहीं निकला, तो उसके बाद आप सोचेंगे कि क्यों ना हम जनरल कॉम्पिटिशन में आ जाएं। जब आप इंजीनियरिंग से जनरल कॉम्पिटिशन में आते हैं तो PCM तो आपका किया हुआ है, फिर आप क्या करेंगे, आर्ट्स भी पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ हम खुद नहीं चाहते कि आपके साथ हो, आप जिस ट्रेड में हैं उसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, यही आपके लिए सबसे अच्छा बात है। ठीक है, चलें। तो ये बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जो है वैक्लव कंद्रेका को मिला है, कंद्रेका को मिल गया है। थीम क्या है वर्ल्ड एड्स डे का, थीम क्या है? हाँ बिल्कुल, प्रोटोन जो है रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक, और जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। थीम क्या है वर्ल्ड एड्स डे का? थीम है एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पैंडमिक। ठीक है, यानी कि असमानताओं को समाप्त करें, एड्स खत्म करो और महामारी भी खत्म करो, पैंडमिक यानी महामारी। क्लियर है? ये सवाल है आपका होमवर्क का सवाल, पाइका। अच्छा, ये सवाल एक्चुअली होमवर्क का नहीं है, क्लासवर्क का सवाल है। याद है मिस स्कूल में एक बोर्डवर्क देती थी कि वो खुद से करके दिखाएंगी, एक क्लासवर्क देती थी कि आपको अभी क्लास में अभी करना है, जो कि आपको एकदम नहीं पसंद आता था कि अभी क्यों करना है। फिर एक होमवर्क देती थी जो कि आपको घर से करके लाना है, ये तो अच्छा लगता था आपको, ये भी अच्छा लगता था क्योंकि कोई दिमाग नहीं लगाना, बस कॉपी कर रहे हैं और होमवर्क वाला भी जाके कहीं से छाप दिए, लेकिन यहाँ पे आपको टेंशन हो जाता था, है ना, ये आपको पसंद नहीं आता था। तो ये वही क्लासवर्क का सवाल है, अभी करके दिखाइए, अभी हम पूछेंगे, और जितना समय लेना है आप लीजिए, लेकिन अभी हमको इसका चाहिए। पाइका जो है, पाइका आप बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट पाइका के बारे में सही है। निकिता शर्मा आपका कमेंट हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, रुकिए हम सबका देखते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, श्रद्धा बोल रही है, आज है थीम जो है लेट स्काई बी योर लिमिट। मैम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, मेरे गांव में कि दो लड़की ने दोनों पागल हो गए। अच्छा ठीक है, आशीष जो है 1817 बता रहे हैं, विकी हेलो। निकिता आपका कौन सा कमेंट मैंने नहीं पढ़ा, मैम हम नहीं खेल रहे हैं साइंस। खेल क्यों नहीं खेलोगे यार, साइंस खेलो, बहुत मजा आएगा। चलिए इसका आंसर हमको बताइए, पाइका के बारे में आंसर बताइए, तुरंत से आंसर बताएं, हरी अप। यस बताओ यार इसका आंसर, क्लासवर्क का क्वेश्चन है। आशीष जो है वो दिमाग लगा रहे हैं। सुनील शानी आप भी दिमाग लगाइए, जल्दी बताइए, हम वेट करेंगे, जितने देर में आप लोग आंसर नहीं बताएंगे हम वेट करेंगे। आज दीक्षित का आंसर है सब सही है, ठीक है ओके, और आशीष का आंसर है कि एक और दो सही है। हम क्यूट हैं शुभम, आप भी बहुत क्यूट हैं। चले अब बताएं आंसर, जल्दी से बताएं, ये सब मक्खन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, मतलब टीचर कॉपी चेक करने जाएंगे, आपने होमवर्क नहीं किया तो बोलेंगे मैम आप बहुत अच्छी लग रही, तो टीचर क्या बोलेगी, ओके कोई बात नहीं होमवर्क नहीं किया तो घर जाओ, बट पिटाई पड़ेगा उतना ही ज़्यादा। सी का डाउट है, ओके ओके ओके, बाकी कोशिश करो यार, क्या फर्क पड़ता है, आंसर ए है बी है सी, आपको क्या सोच, आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे हम थोड़ी आपको चॉकलेट बांट रहे हैं कि दूसरा वाला जो अपसेट हो जाएगा जिसको नहीं मिलेगा। आप आंसर बताएं, बस सोचें समझें आंसर बताएं। ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया, हम बताते हैं, ये ओडिशा का है, देखिए आंसर इज ओनली वन, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड गलत है, क्लियर है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ओडिशा गवर्नमेंट नहीं, केंद्र सरकार बोला है इसको, ठीक है, और द मेन कॉज ऑफ पाइका रेजिमेंट अमंग पाइका डी थ्रोनिंग, ये बिल्कुल ये सब कुछ नहीं था, पाइका का मेन चीज था अंग्रेजों के खिलाफ भूमि अधिग्रहण करने से रिलेटेड, ठीक है, और ये लीड किए थे बख्शी जगन्नाथ बंधु, इसको बस ध्यान रखिएगा, आंसर इज ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेना है, हाँ सूर्य दैया अभी देख के आंसर पटाख से बता रहे हैं, वेरी गुड, श्रद्धा भी बता रही है, तो ये क्वेश्चन में आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये आपका होमवर्क का सवाल है, इसका प्लीज कमेंट, प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में आंसर दे, कम से कम 10 लोग आंसर दो यार, इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 10 लोग का आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो इसीलिए आप इसका आंसर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है क्योंकि वो क्लासवर्क और होमवर्क का क्वेश्चन मैं आंसर नहीं डाल रही हूँ, मैंने 50 क्वेश्चन बोर्डवर्क करवाए हैं,
एक क्वेश्चन क्लास वर्क दिया है जो कि आपने अच्छे से किया नहीं, हाँ क्लास वर्क टफ था मुझे पता है, तो आपके मैथ्स वाले टीचर भी तो यही करते थे ना स्कूल में, छोटा सा एग्जाम्पल बता देते थे, छोटा सा फॉर्मूला बता देते थे, और जब आपको देना होता था तो बड़ा सा क्वेश्चन दे देते थे। तो मैंने भी वही किया है, छोटा छोटा बता दिया और बड़ा सा क्वेश्चन आपको क्लास वर्क में दे दिया है। लेकिन देखिए होमवर्क के लिए इजी क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। अभी जस्ट तुरंत बाद जीके जिसको पढ़ना है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तो 9 बजे आना है कहाँ पे, टीचर्स अड्डा पे, ठीक है। भले हम वहाँ पे बोलेंगे कि ये सीटेट का तैयारी है, वो तो है ही, लेकिन ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, देखिए कोई भी परीक्षा ऐसा होता है ना जो कि कमीशन ले रहा है और वो सवाल पूछा जा चुका है, तो वो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर आपसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मजाक में नहीं लेना है, सीरियस लेना है। और मैंने क्वेश्चन देखा है, पेडागॉजी का नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ जीके का करवा रही हूँ, तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी आइए 9 बजे टीचर्स अड्डा पे, ठीक है। थैंक यू, आई एम वेटिंग, 5 मिनट बाकी है, जल्दी से आ जाना। थैंक यू, पानी पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल बताना है, करंट अफेयर्स बाय कीर्ति पांडे, चलिए ठीक है, हो गया, यस थैंक यू। शॉर्टकट में नहीं लिखिएगा, फुल फॉर्म में लिखिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।